नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल कॉलेज हमीरपुर के सभागार में CSCA का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर HS जम्वाल ने विकास को प्रधान, प्रियंका शर्मा को उप प्रधान, ममता शर्मा को महासचिव तथा रजत रांटा को संयुक्त सचिव के रूप में शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने CR तथा CSCA के अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाई। उन्होंने छात्र संगठन के प्रतिनिधियों से कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने तथा इसके विकास के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्र केंद्रीय छात्र संगठन के संविधान में पूर्व निष्ठा एवं विश्वास रखें, ताकि महाविद्यालय की प्रगति तथा छवि में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि इस बार CSCA में उन छात्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जिन्होंने NCC, NSS, शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक तथा अन्य अतिरिक्त पाठ्यांतर गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित छात्र संघ के प्रधान रोहित विकास होनहार छात्र हैं तथा उन्होंने BA प्रथम वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मेरिट में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि महाविद्यालय के छात्र CSCA संविधान की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कॉलेज के विकास व प्रगति को आगे ले जाएंगे। Who gave himself fight, but he reached the borders of India and nobody could resist him. It was then Porus who gave him fight, not only a fight, but a very courageous fight. And thereafter he came to know that Nanda dynasty was ruling the Pataliputra and Alexander returned back. It was similarly, it happened when the great conquerors, Chinggis Khan, Halaku, they never thought of coming towards India because we had a very strong army in Delhi, maybe in the form of King Balwan at that time. So our Indian army has a very great tradition from the very beginning, from the long, long times of history, and during British India also, our soldiers, they have won many Order of Merit, Victoria Crosses, they have shown exemplary valor and bravery in the battlefield. Strike 2016 mein hua tha, uske roop mein हमने पराक्रम पर्व जो कॉलेज में मनाया। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक निर्देश आया था कि इसको मनाया जाए, तो ADC साहब जैसे इसमें आए थे। आज इस आयोजन के लिए हमने अपने जो फर्स्ट स्टूडेंट है कॉलेज के, कर्नल AD शर्मा जी जो OSC के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको रिसोर्स पर्सन के रूप में यहाँ बुलाया था। और मुझे लगता है कि उनसे बेटर कोई इस उपलक्ष्य पर नहीं हो सकता, जिस हिसाब से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बड़े प्रोफेशनल तरीके से बताया, वो हमें बेहद प्रेरणा देकर, उनका जो उद्बोधन था बड़ा प्रेरक था। और मुझे लगता है कि उनके उद्बोधन से हमारे बच्चों ने भी और स्टाफ ने भी बहुत कुछ सीखा हुआ, और इसके टेक्निकलिटीज के ऊपर भी जो उन्होंने प्रकाश डाला हुआ हमारे लिए बहुत लाभदायक रहा। तो ये बच्चों को उनको मुबारकबाद देता हूँ जो कि हमारे नए कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं और CR और नॉमिनेटेड मेम्बर्स हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से हमारा ये सम्पन्न हो पाया है मेरिट बेस जो नॉमिनेशन है। मैं स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूँ, और इन बच्चों को मुबारकबाद देने के बाद इनसे जरूर आग्रह करूँगा कि कॉलेज प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, हम एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे और उनका निदान पाएंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है हमीरपुर का, और पूरे राज्य में इसका नाम है, और हमारे बच्चे यहाँ से जो भी हमारे छात्र बंधु हैं वो सभी यहाँ से पढ़ कर अच्छे मार्क्स लेकर मेरिट में आते हैं। तो एजुकेशन विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे एक मेन एजेंडा रहेगा, कि सिर्फ जो रूटीन में पढ़ाई होती है वही ना हो, उसके अलावा बच्चे और भी चीज़ें सीखें। स्किल डेवलपमेंट पर हमारा मेन फोकस रहने वाला है, ताकि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हों, उनमें कॉन्फिडेंस आए, और कल वो जहाँ भी जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, वहाँ पर अपना नाम रोशन करें और सफलता प्राप्त करें। तो ये हमारा मेन एजेंडा रहने वाला है इस सेशन के लिए। मानना है कि ये समस्याएं जो हैं वो छात्रों को
मतलब बहुत मुश्किल होती है इन समस्याओं के कारण, क्योंकि जो दूसरे छात्र आते हैं उन्हें भी इन समस्याओं के कारण काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे, जो भी हमारे हाथ में होगा हम वो करेंगे, और जो भी हमारे छात्र बंधु हमें सुझाव देंगे वो हम अपने प्रिंसिपल सर तक पहुँचाएंगे, और जो भी समाधान सभी से बात करके निकलेगा हम वो ज़रूर करेंगे।